हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनेंगे मसाला अप्पम। तो मैं एक कटोरी सूजी लिया, हाफ कटोरी दही और लिया छोटा एक प्याज, दो बीन्स फूली, एक टुकड़ा गाजर, थोड़ा से मूंगफली के दाने, दो हरी मिर्ची और करी पत्ता। मैंने एक बाउल लिया, इसमें सूजी दही को मिक्स करेंगे। थोड़ा से पानी से हम इसे मिक्स करके 15 मिनट के लिए भिगा के रख देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें थोड़ी सी तेल डाल के मूंगफली को दाना को फ्राई करेंगे। मूंगफली का दाना फ्राई हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून राई, जो कारी पत्ता लिया, और जो सब्जी एक छिलका हम डालेंगे। अब 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और चुटकी भर हल्दी। मसाला फ्राई हो गया, हम अब इसे निकल लेते हैं। 15 मिनट हो गया, हम इसे निकल के देखते हैं। देखिए सूजी फूल के गाढ़ा हो गया। अब हमें और पानी ऐड करना है। उस टाइम मैंने 1/2 कटोरी पानी दिया था, अभी और 1/2 कटोरी पानी से मिक्स करते हैं। अब 1/2 टीस्पून नमक डालते हैं और जो मसाला बनाया था वो मसाला भी हमने इसमें डाल दियो, और मूंगफली को मैंने थोड़ा क्रश करके इसमें डाल दियो। सारे मसाला को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। इसका ऊपर हल्का से पानी से इसे और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए यह अप्पम पत्र गर्म हो गया। हम एक कटोरी में पानी और तेल की घोल बना लिया। अभी हम इसमें थोड़ा सा हमें बैटर को इसमें डालना है। देखिए हम सारे साथ में डाल लिया, अभी इसे हमें ढक के 3 मिनट पकाएंगे। देखिए एक साइड हो गया, अब हम इसे पलट लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा एक बूंद तेल डाल देंगे हर छाछा में, और इस तरह
एक मिनट पकाएंगे। एक मिनट हो गया, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ये देखिए मेरा मसाला अप्पम रेडी। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन ये इतना टेस्टी है तो इसलिए मैंने आज सॉस और अचार के साथ सर्व करेंगे। तो मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही, सी यू अगेन, बाय।